खबर बांधवगढ़ से, जहां बबेरू नगर पंचायत निर्वाचन को लेकर का आज अंतिम दिन नामांकन करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कुल 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं सभी वार्डों से सैकड़ों की संख्या में सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मामला बबेरू तहसील परिसर का है, जहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से सरगर्मी तेज हो गई, उसी प्रकार से आज सोमवार को अंतिम दिन सभी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद नामांकन कराए जा रहे, जिसमें अध्यक्ष पद व सदस्य पद के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए थे, जिसमें सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। साथ ही साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया, जिसमें सपा से सूर्यपाल सिंह यादव, भाजपा से विजयपाल सिंह, बीएसपी से कृष्णपाल प्रजापति, कांग्रेसी रामनिवास वर्मा सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों सहित 8 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाया। वहीं सदस्य पद के लिए सभी वार्डों से सैकड़ों लोगों ने अपना अपना नामांकन किया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मुख्य गेट से लेकर तहसील परिसर तक लगा रहा। वही मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह नामांकन स्थल का घूम घूम कर जायजा ले रहे थे। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए जो अथॉरिटी लेटर भेजा है, उसकी आज अंतिम डेट है। आज अंतिम तारीख में हम लोगों ने अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं नगर पंचायत बबेरू से, और ये चुनाव जो 2024 का सेमीफाइनल है, उसमें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है और एक नया इतिहास रचने जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने नामांकन किया है। क्या कारण था कि इस बार टिकट बहुत लेट में मिला? देखिए, ये पार्टी की पॉलिसी है, उस पर शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं उसके हम लोग उसका फॉलो करते हैं, उसमें हम कोई कमेंट नहीं करते। चेयरमैन पद पर जीत हासिल कर चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी दोबारा इस बार? देखिए, प्राथमिकता सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन पर, जिस प्रकार की योजनाएं हमको मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं हमको चाहिए उसकी डिमांड करके हम इस नगर के विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। मैंने क्या कुछ रह गया था जो इस बार? देखिए, जल निकासी जो हमारी प्राथमिकता थी, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे जिले में केवल बबेरू नगर पंचायत को अभी जल निकासी की धनराशि दी थी, जिसका काम अभी जारी है। और जल निकासी के साथ साथ अभी और भी बहुत ऐसे काम हैं जो इस नगर के विकास के लिए, सीमा विस्तार में जितना भी विस्तारित क्षेत्र है उसमें अभी बहुत काम करना बाकी है। मैंने उसमें लगभग काफ़ी काम किया है। अम्बेडकर नगर में आपने देखा होगा जो कनेक्टिविटी है रोड की, वो मैंने अभी दी है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मलिन बस्तियों को और जहाँ आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नगर में जो भी काम संभव होगा वो करवाऊँगा। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन कराने जा रहा हूँ। क्या निर्दलीय करवा रहे हैं? हाँ, जनता के बल से हैं, गांव का चुनाव है। आप नगर में भ्रमण भी किए होंगे, लोगों से मुलाकात भी किए होंगे, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? नगर में यही हमारा गांव है, यहाँ ही गली और पूरे मोहल्ले में हम बचपन से यहाँ पले बढ़े हैं और पूरे 16 वार्डों में पहले से हमारी एक सशक्त टीम गठित थी और पूरे गाँव का जन समर्थन भी है। सब ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए और गांव की सेवा करिए। किस पद के लिए नामांकन करा रहे हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु जो है मैं नामांकन कराने आया हूं। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता गांव की सफाई है, जल भराव की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण, और जो भी विकास कार्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को, हर वार्डों को बुला के एक समिति गठित करके एक सिस्टम और हमारा कि जिस मोहल्ले का काम उस मोहल्ले का ठेकेदार, जो भी योजना प्रस्ताव पास होगा गांव के मोहल्ले के लोगों को बुलाएंगे, फिर प्रस्ताव पास होगा, फिर जो भी विकास कार्य है पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। ये प्राथमिकता रहेगी हमारी, पूरे नगर में विकास कार्य बहुत तेजी के साथ करवाएंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेन सिंह। नामांकन किया गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार जो हमें प्रमाण पत्र मिला है कि आप समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और अथॉरिटी लेटर दिया है, उसी के अनुसार हमने आज पर्चा दाखिल किया। इसी को उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा हुए। आपने 2 बार बबेरू के चेयरमैन रहे और इस बार लोगों से बहुत आपसे अपेक्षा है, तो नगर की विकास में आप क्या क्या
जो अधूरे कार्य रह गए थे पिछले, तो आप कौन कौन से कार्य पूरा करेंगे? देखिए, जो भी कार्य रह गए, एक की बात नहीं करता, जो भी पिछले कार्य रह गए हैं, वैसे मैंने दो पंचवर्षीय में प्रयास किया कि कोई रह न जाए कार्य। लेकिन समस्या ये है कि अब नए जो वार्ड शामिल हुए हैं उनमें तो देखिए बहुत बड़ी कमी है, उनको बेचारों को रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है। ये सारी समस्याओं को लेकर के मेरी नैतिक जिम्मेदारी मिलेगी अगर मैं पद पे पहुंचता हूं कि उनके सारे जो है कार्य पूरे किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और किस प्रकार से कराया जा रहा है? ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। प्रथम बैरियर, मुख्य गेट और अंदर नामांकन स्थल पर सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पूर्ण कर लिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया है। सदस्य पद का नामांकन अभी चल रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए अभी उसमें समय लगेगा। बाकी अध्यक्ष पद पर इस वक्त अभी नामांकन के लिए कोई शेष यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर कोई आता है तो उनका भी नामांकन सक्सेसफुल कराया जाएगा।